तो लिनोवो ने लॉन्च कर दिया अपना न्यू फोन लिनोवो S5 Pro, और मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसी फोन के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखिएगा पूरा, कीजिएगा लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ आपको मिलता रहे उसका नोटिफिकेशन। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अपडेट। बिना टाइम खराब करें इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे बात करता हूं इसी फोन के बारे में। तो बात कर ले सबसे पहले डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको मिलता है 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 18:7:9 वाला, मतलब इसमें आपको मिलता है एक नोच वाला डिस्प्ले, और इसी नोच के अंदर आपको मिल जाएगा डुअल फ्रंट कैमरा का सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का विद F2.2 के अपर्चर वाला, और सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरे में आपको मिल जाता है फेस अनलॉक का फीचर। की बात कर ले रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे में भी आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 20+12 मेगापिक्सल के कैमरे आते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का F1.18 के अपर्चर वाला, एंड सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का F2.6 के अपर्चर वाला, और दोनों रियर कैमरे 2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आते हैं, मतलब बहुत सारी फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 ऑक्टाकोर बेस्ड, और इसे सपोर्ट करने के लिए आता है GPIO Adreno का 509, मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी फोन में। और बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड OS की, तो इसमें मिलता है आपको 8.1 Oreo, जो रन करता है लिनोवो के ही ZUI 5.0 पर। और बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको मिलती है 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, जिसका एक और वेरिएंट है 128GB वाला, और दोनों ही वेरिएंट के लिए कंपनी ने बताया है कि आप 128GB तक का ही SD कार्ड लगा के इनकी मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और साथ ही बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको मिलती है 3500 mAh की, मतलब 3500 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, और इसे चार्ज करने के लिए जो सपोर्ट में USB आती है वो है USB Type-C, और इसी के साथ फोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और बात करें कनेक्टिविटी की, तो 4G VoLTE सपोर्ट करता है फोन, उसी के साथ Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0, GPS, AGPS जैसे बेसिक फीचर आपको फोन में देखने को मिल जाते हैं। और फाइनली बात करें प्राइस की, तो प्राइस इसकी 6GB 64GB के लिए जो कंपनी ने बताई है वो है 1298 चीनी युआन, मतलब इंडिया में इसकी कीमत पड़ेगी आपको 13,700 रुपए, और इसके 128GB वाले वेरिएंट के लिए अभी तक कंपनी ने कोई प्राइस नहीं बताई है। तो जैसे ही इसकी कोई प्राइस निकल कर आएगी मैं किसी एक वीडियो में कर दूंगा आपको अपडेट इसकी प्राइस के लिए। फाइनली बात करूं मैं अपने ओपिनियन की, तो भैया मैं जाता हूं सर्विस की तरफ। मैंने भी लिनोवो का फोन यूज किया है, लिनोवो K6 Power, जिसके लिए मुझे बड़ा दौड़ना पड़ा था और इसकी सर्विस भी मुझे नहीं मिली थी। फाइनली बेकार में कंपनी ने मुझसे पैसे भी ले लिए थे और मुझे सर्विस भी नहीं दी थी, बता दिया था आपका फोन है आउट ऑफ वारंटी। तो लिनोवो की सर्विस इतनी अच्छी है नहीं, सिर्फ फोन की असेंबलिंग कर फोन को तैयार कर देते हैं, उसके बाद लिनोवो मोटरोला इन दोनों की सर्विस अच्छी नहीं मिलती है। तो सर्विस के मामले में लिनोवो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई मुझसे लिनोवो खरीदने को कहे तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि फोन लेने के बाद सिर्फ ले लेना काफी नहीं होता है, इसकी सर्विस भी मिलनी चाहिए। कल को अगर कोई खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी आपके साथ है, और फोन में प्रॉब्लम आने के बाद वो इसे ठीक कर आपको दे देगी। जबकि लिनोवो में मुझे ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, लिनोवो की सर्विस मुझे बकवास लगती है, तो मैं लिनोवो का फोन लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके पास है लिनोवो का कोई फोन, क्या आपको मिल गई थी उसकी सर्विस बड़ी आसानी से या नहीं मिली उसकी सर्विस आपको, कैसा रहा आपका सर्विस रिव्यू आप मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, प्लीज कीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं मिलता रहे आपको उसका नोटिफिकेशन। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।